चलिएगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं किस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करना, इनकी वाइफ के ऊपर। तो देखेंगे कि शाहजहाँ की वाइफ कौन थी और वाइफ का नाम क्या था। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, वाइफ शाहजहाँ की जो वाइफ थी, वैसे तो कई वाइफ थी बता चुका हूँ, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट वाइफ जो है उसका नाम, उनका नाम है आरजू मंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। और अर्जुमंद बानो बेगम की अगर बात की जाए तो सी वॉज द डॉटर ऑफ आसफ खान। किसकी डॉटर थी, किसकी पुत्री थी, आसफ खान की। मुगलों के एक मेन सेनापति के रूप में जाने जाते थे, आर्म्ड जनरल के रूप में। बट आफ्टर मेरिंग ऑफ शाहजहाँ विथ आर्जुमन, देन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मुगल एम्पायर। तब फिर इन्हें प्राइम मिनिस्टर या वजीर के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था, किसे, आसफ खान को, आफ्टर मेरिंग विथ शाहजहाँ एंड आर्जुमन। क्लियर। देन अभी देखिए, शाहजहाँ ने जब विवाह किया तब इनको एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर थी ये। अच्छा, आसफ खान की ही सिस्टर कौन थी, आसफ खान की सिस्टर कौन थी, नूरजहाँ, ये बात ध्यान रखना। और नूरजहाँ अगर सिस्टर थी तो नूरजहाँ की माँ का नाम क्या था, असमत बेगम। पिता का नाम क्या था, गयास बेग, मिर्जा गयास बेग, हु वॉज फेमस एस एतमा उद्दोला। एतमा उद्दोला का मतलब क्या होता है, पिल्लर ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का पिल्लर कहा जाता था, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे आर्जुमंद बानो बेगम को टाइटल दिया गया मुमताज महल का, साथ ही इन्हें टाइटल दिया गया था, साथ ही इन्हें कहा गया है मल्लिका ए जमानी। मल्लिका ए जमानी। और एक पॉइंट ध्यान रखना, ये विवाह जो इनके बीच में हुआ है ना, ये जो शादी हुई है, ये हुई है 1612 में, 1612 में। हालांकि कुछ बुक्स में आपको आगे पीछे दिख जाएगा, बट 1612 हम सही मान लेते हैं, 1612 में इनका विवाह हुआ था। क्लियर। ही गॉट मैरिड विद शाहजहाँ इन 1612, तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है, 1612 में विवाह हो गया। अभी क्या हुआ कि विवाह होने के बाद आर्जुमंद बानो बेगम ने के साथ शाहजहाँ के कुल 14 चिल्ड्रंस हुए। कितने चिल्ड्रंस हुए, टोटल 14 चिल्ड्रंस। सी बर्थ 14 चिल्ड्रंस, तो 14 संतानों को इन्होंने जन्म दिया। क्लियर। केवल कितनी संतानें जन्म दी गई, 14, 14। लेकिन उन 14 में से सिर्फ 7 चिल्ड्रंस ही क्या रही, जिंदा रही, और 8 चिल्ड्रंस की क्या हो गई, बर्थ के दौरान मृत्यु हो गई। और जब ये अपनी 14वीं संतान को जन्म दे रही थी तब इनका भी क्या हो गया था, निधन हो गया था। क्लियर। लेवर पेन के कारण, काफी ब्लड फ्लो हो जाने के कारण, व्हेन ही गेव बर्थ टू हिस 14th चिल्ड्रन, उसी समय पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। क्लियर। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी, इनकी मृत्यु हुई थी 1631, 1631 में, वाइल गिविंग बर्थ टू हिस 14 चिल्ड्रन, 14वें संतान को जन्म देने के समय पर। क्लियर। अब देखिए, 17, 7 जो बच्चे हुए ना, 7 बच्चे जिंदा रहे, 7 चिल्ड्रन उनकी जिंदा रही, उनके नाम यहां लिख देता हूं। फर्स्ट नंबर पे हम पहले पुत्र देख लेते हैं और फिर जो सिस्टर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं। हालांकि सबसे बड़ी जो थी वो उनकी पुत्री थी जिसका नाम था जहांआरा, सबसे बड़ी पुत्री ही थी जिसका नाम था जहांआरा, जो सबसे इंटेलिजेंट और सबसे शार्प भी थी, है ना। बट अगर पुरुषों की बात करें, लड़कों की बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े जो थे वो थे आपका दारा सिकोह। दारा सिकोह ये काफी विद्वान भी थे, काफी इंटेलिजेंट भी थे, और इन्हें कहा जाता है कि ये रिलीजियसली टॉलरेट थे, सभी धर्मों के प्रति जो है इनकी जो थिंकिंग थी ना वो टॉलरेबल थी, इट मीन्स ये सहिष्णु थे सभी धर्मों के प्रति। क्लियर। अगर हम बात करें दारा सिको की, तो मैंने बोला काफी विद्वान पुरुष के रूप में जाना जाता है दारा सिको को। दारा सिको ने एक बुक लिखी थी, सिर ए
अकबर, क्या नाम थी इनकी बुक का, नाम था सिर ए अकबर। और इन्होंने कई हिंदू ग्रंथों को स्टडी किया है, उनका पर्सियन में ट्रांसलेट भी कराया है। तो अगर हम बात करें दारा सिको की, तो एक बुक का नाम बता देता हूँ फिलहाल आप लोगों को, सिर सिर ए अकबर, सिर ए अकबर। क्या खास बात है, दिस बुक इज द ट्रांसलेशन ऑफ वेद, इन दिस बुक ही डिस्कशन अबाउट द वेद। इस बुक में इन्होंने किसके बारे में डिस्कशन किया है, इस बुक में इन्होंने डिस्कशन किया है वेदों के बारे में। और आप लोग को पता है कि कुल कितने वेद हैं, तो सभी को पता होगा कि टोटल जो वेद हैं वो हैं चार। तो इन्हीं वेदों के ऊपर इन्होंने डिस्कशन किया है अपनी इस बुक में, जिसका नाम है सिर ए अकबर। इन्हें लघु अकबर भी कहा जाता है, क्लियर, स्मॉल अकबर या लघु अकबर कहा जाता है दारा सिको को, ठीक है। देन सेकेंड जो पुत्र आए हैं वो आए हैं आपके, सेकेंड पुत्र का नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे, औरंगजेब, औरंगजेब। थर्ड शाह शुजा, एंड फोर्थ मुराद बख्श, मुराद। इतना ही ध्यान रखिए, मुराद, क्लियर। दीज आर द फोर सन ऑफ शाहजहां एंड मुमताज, है ना, इन्हीं के पुत्र की बात हो रही है। अब ये तो हो गए हैं चार पुत्र, बाद में क्या होगा, इनके बीच में सक्सेसर वॉर स्टार्ट हो जाएगा। कब से, 1658 से ना, ये चारों आपस में क्या करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। क्यों लड़ने लगेंगे, अगला शासक कौन बने इस मुद्दे पर। तो ये तो मैंने बता दिया, नाम ध्यान रखना। अब हम इनकी डॉटर्स की बात कर लेते हैं। डॉटर्स में पहला नाम आता है, सब जो सबसे बड़ी थी सभी सातों में, और नाम बता चुका हूं क्या नाम है, जहां आरा, सबसे इंटेलिजेंट भी थी जहां आरा। चांदनी चौक जो सिटी है दिल्ली में ही, उसे डिजाइन किया है जहां आरा ने ही, जहां आरा ने ही चांदनी चौक सिटी को डिजाइन किया है, उसका प्रारूप तैयार किया है, क्लियर। नेक्स्ट जो नाम है वो है गोरू नारा, गोरून आरा। और थर्ड नाम जो है वो है रोशन आरा। दीज आर द थ्री डॉटर्स ऑफ अर्जुमंद बानो बेगम, एंड दीज आर द फोर्थ फोर सन ऑफ अर्जुमंद बानो बेगम एंड ऑल्सो शाहजहां, क्लियर। सो अभी हमने बात की इनके 14 टोटल पुत्र हुए थे, संतान हुए थी, और चार, आठ की डेथ हो गई, सात जिंदा रहे, क्लियर। ये सिंपली मैंने आपको सब बात बता दी। अब इनकी डेथ हो गई थी 1631 में, एंड शाहजहां की बात की जाए तो इनकी सबसे प्रिय वाइफ थी, और इनसे काफी उनका अट्रैक्शन था मुमताज महल से। आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी ही कब्र के ऊपर इन्होंने बनवाया है विश्व का सबसे प्रसिद्ध आर्किटेक्चर, दैट इज नोन एज ताजमहल। तो ताजमहल का निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया 1631 में, आफ्टर डेथ ऑफ मुमताज। तो मुमताज की डेथ के बाद 1631 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दिया था, किसका, ताजमहल का, है ना। इनिशियली ताजमहल बनवाने की जो जो काम था वो बुरहानपुर में किया जा रहा था, है ना, बुरहानपुर में ही डेथ हुई थी, तो बुरहानपुर में ही ताजमहल बनवाने की कोशिश की गई थी या स्टार्ट किया गया था, और काफी काम किया भी जा चुका था बुरहानपुर में। बट देन डिसीजन चेंज किया गया और ताजमहल को बनाने का काम शिफ्ट किया गया कहाँ पे, आगरा में, क्लियर। तो इस तरह से हम बात करें तो फिर उनकी कब्र को भी वहां से शिफ्ट करके आगरा लेकर जाया गया। 1631 से लेकर 22 वर्ष लगे 1653, यानी टोटल 22 इयर्स में इन्होंने बना के रख दिया विश्व का सबसे महानतम आर्किटेक्चर, दैट वॉज नोन एज ताजमहल। दूसरी बात यह, इसको बनाने में ना टोटल 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। 22 साल लग गए थे और 9 करोड़ रुपए खर्चे किए गए थे, क्लियर। एक चीज ध्यान रखना कि ताजमहल एक मकबरा है, ताजमहल एक टॉम्ब है। किसकी टॉम्ब है, ताजमहल इज अ टॉम्ब ऑफ मुमताज एंड ऑल्सो शाहजहां।
फिर शाहजहां की डेथ होने के बाद उनकी बॉडी को भी वहीं पर दफनाया गया, उनकी कब्र भी वहीं पर बनाई गई थी। चलिए, ये एक चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज द होल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऑफ शाहजहां। हमने वो वाइफ्स के नाम ऐड नहीं किए जिनके ऊपर से क्वेश्चन कभी नहीं आते, हमने उस वाइफ का नाम आपको बताया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके ऊपर से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये उनके चार पुत्र, ये उनकी तीन पुत्रियां, सबसे इंपॉर्टेंट दारा सिको, सबसे लिटरेट, सबसे एजुकेटेड, सबसे ज्यादा विद्वान व्यक्ति कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कहा जाता है दारा सिको को, क्लियर। और सबसे कट्टर व्यक्ति कहा जाता है औरंगजेब को। हालांकि औरंगजेब भी काफी कैपेबल था, लेकिन औरंगजेब में कुछ अच्छाइयां थी लेकिन कुछ बुराइयां भी थी, समझ गए। चलिएगा आगे चलते हैं, और अब हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की रिलेटेड टू शाहजहां। देखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर रिलीजन की बात करें, शाहजहां के धर्म की बात करें, तो सभी लोगों को पता है कि वो फॉलोअर ऑफ सुन्नी रिलीजन, किस धर्म का अनुयायी है, सुन्नी इस्लाम। देखिए एक चेंज जो यहाँ पे आ जाता है ना, आफ्टर अकबर, अकबर के बाद जो चेंज आता है, जहांगीर का तो कोई ज्यादा महत्व नहीं है रिलीजियसली, बट अगर अकबर के बाद जो चेंज जाता है, क्योंकि जहांगीर तो सिंपल वैसे रूलर, अकबर के बाद ये चेंज जाता है कि अब जो रूलर आते हैं ये थोड़े से कट्टर होते हैं, थोड़े से क्या होते हैं, कट्टर होते हैं, ये हार्ड इनकी सोच होती है, क्लियर। अब कट्टर सोच के कारण ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो बाद में धीरे धीरे मुस्लिम या मुगल्स के लिए नुकसानदायक साबित होंगे, क्योंकि अकबर को तो पता चल गया था, अकबर तो समझ चुका था, जैसे हमने अकबर में डिस्कस किया है कि लंबे समय तक स्टेबल अगर हमें इंडिया में रहना है, लंबे समय तक स्टेबल अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो हमें मेजोरिटी के लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना होगा, और उनके जो राइट्स हैं, उनके जो हित हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनको उनको ध्यान में रखना होगा, ना कि हमें उन्हें वायलेट करना होगा। दैट नोस बाई अकबर, इन सारी बातों के बारे में अकबर को जानकारी थी, अकबर को इंफॉर्मेशन थी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। बट आफ्टर अकबर इस पॉलिसी को फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि ये लोग सुन्नी धर्म के तो थे ही, साथ ही कट्टर भी, कट्टरपन भी इनमें आ गया था। देखिए क्या होता है ना, कि जब कोई चीज जो है थोड़ी सी सही हो जाती है तो फिर कुछ दिनों के बाद वो खराब होती है, और फिर जब वो खराब हो जाती है फिर वो सही भी होती है, तो ऐसा फ्लो चलता रहता, अल्टरनेट चीजें चलती रहती है, है ना। इनिशियली अगर हम बात करें सिविलाइजेशंस की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हमने पढ़ी, वहां पे जीवन बहुत सरल था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, कोई धार्मिक भेदभाव, इंसान में कोई भेदभाव का कोई कारण नहीं था। बट आफ्टर क्या हुआ कि वैदिक सिविलाइजेशन आई, तो ऋग्वैदिक पीरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वैदिक पीरियड में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था आ गई, तो लोगों के बीच में भेदभाव आने लगे, है ना, और स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाने लगा, महिलाओं का जीवन कठिन हो गया। तो ये जो था कि पहले जीवन सरल हुआ, सरल था, फिर जीवन कठिन होने लग जाएगा, धीरे धीरे बहुत कठिन हो जाएगा, और फिर कठिन होने के बाद बहुत ज्यादा सरल, फिर धीरे सरल होगा, फिर सरल भी इतना सरल हो जाएगा कि फिर से उसमें ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जीवन फिर से कठिन होना शुरू हो जाएगा, और फिर इतना कठिन हो जाएगा कि फिर उसमें रिवॉल्यूशन आएगा और फिर जीवन सरल होगा। तो अल्टरनेटिवली चीजें रिफॉर्म्स होते रहते हैं और सारी चीजें सुधरती भी रहती हैं और बिगड़ती भी रहती है, ऐसा होता है। तो यहाँ पे अकबर काफी अच्छे से रूल कर रहा था, सही साठ रूल कर रहा था, बट अब यहाँ पे इन लोगों ने कट्टरपना दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि क्या क्या काम किए हैं मैं आपको बोल के बताऊंगा, लिखना नहीं, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं, जो लिखने की होगी मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले ही प्रोहिबिटेड इन्होंने प्रोहिबिशन किया, इन्होंने प्रतिबंध लगवा दिया सम्राटों की ऐसी पेंटिंग्स पर, ऐसी चित्रकारी पर जिसमें उन्होंने हेड या पगड़ी या टोपी बियर करी हो, टोपी पहनी हो, क्लियर। तो ध्यान रखिए, ही प्रोहिबिटेड टू मेक पेंटिंग्स ऑफ बियरिंग हेड, क्लियर, एंड पगड़ी ऑफ मुस्लिम ऑफ मुगल इंपीरियर। तो मुगल सम्राट की पगड़ी या फिर टोपी पहनी हुई चित्रकारियों पर या पेंटिंग्स पर प्रोहिबिशन लगा दिया, प्रतिबंध लगवा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ही इशू एन ऑर्डिनेंस, इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, ही इशूड एन ऑर्डिनेंस, इन्होंने एक अध्यादेश जारी किया, एंड प्रोहिबिटिंग हिंदूज टू अपॉइंट मुस्लिम स्लेव्स, क्लियर। अगेन मैं बोल देता हूँ,
ही इशूड एन ऑर्डिनेंस एंड प्रोहिबिटिंग हिंदूस टू अपॉइंटेड मुस्लिम स्लेव्स। इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम दास दासी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्लियर। एंड वन मोर थिंग, एंड ऑल्सो प्रोहिबिट ऑफ हिंदूस टू बियर मुस्लिम ड्रेस। हिंदुओं को मुस्लिम वेशभूषा पहनने पर भी रोक लगा दी, क्लियर। एंड ऑल्सो प्रोहिबिट हिंदूस टू मैरी विथ मुस्लिम फीमेल्स। हिंदुओं को मुस्लिम महिलाओं से विवाह करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट रिस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन दैट वर इशूड बाई शाहजहां। तो अगेन बता देता हूं, सबसे पहले हिंदुओं को मुस्लिम दास दासी रखने पर रोक लगा दी, चलो कोई बात नहीं। दूसरी, हिंदुओं को मुस्लिम वेशभूषा पहनने पर भी रोक लगा दी, ठीक है कोई बात नहीं। बट तीसरा पॉइंट क्या किया, हिंदुओं को मुस्लिम से शादी करने पर भी क्या करा दिया, रोक लगा दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाले तीन पॉइंट इन्होंने किए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ही अगेन इशूड एन ऑर्डिनेंस, एक और अध्यादेश जारी कर दिया, क्लियर। और ये थोड़ा अच्छा था, ये अध्यादेश जो था इसमें ऐसा कहा गया, इफ एनी वन चेंज हिज रिलीजन, यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म क्या करता है, चेंज करता है, देन उसकी जो पैतृक संपत्ति है, उसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी, उसकी जो फैमिली प्रॉपर्टी रहेगी ना, उसमें उसकी हिस्सेदारी समाप्त नहीं होगी, क्लियर। इफ ही चेंज हिज रिलीजन देन हिज प्रॉपर्टी राइट्स आर नॉट डिसॉल्व, उसके संपत्ति के अधिकार डिसॉल्व नहीं होंगे, वो समाप्त नहीं होंगे, क्लियर। सो एक और अध्यादेश इन्होंने ये जारी किया, ठीक है। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट वो है, ये है कि ही डिड नॉट फॉलो द पॉलिसी दैट फॉलोज बाय हिज एंसिस्टर्स। तो इनके पूर्वजों ने या इनके पहले के रूलर्स ने जो पॉलिसी चलाई थी, जो पॉलिसी इन्होंने कंटिन्यू रखी थी, दैट मैरिंग विथ राजपूत फीमेल्स और राजपूत प्रिंसेस एंड अपॉइंटेड राजपूत रूलर्स इन मुगल कोर्ट, है ना, तो इस पॉलिसी को इन्होंने फॉलो नहीं किया। ही डिडंट फॉलो द पॉलिसी ऑफ हिज एंसिस्टर्स टू मैरी विथ राजपूत प्रिंसेस एंड अपॉइंटिंग राजपूत ऑन मुगल कोर्ट ऑन हाईएस्ट पोस्ट। तो मुगलों के दरबार में, मुगलों के प्रशासन में राजपूतों को जो उच्च पदों पर अपॉइंट करने की जो नीति थी, पॉलिसी थी, दैट वॉज नॉट कॉन्टिन्यू बाई शाहजहां। शाहजहां ने उन पॉलिसी को कॉन्टिन्यू नहीं रखा, उन नीतियों को नहीं अपनाया। तो ये एक पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या किया है इन्होंने, क्योंकि ये एक सुन्नी धर्म के कट्टर थे थोड़े से, है ना, इनको इनकी छवि कट्टर छवि के रूप में जानी जाती शाहजहां की। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब जो लिखने वाली बात है बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोगों ने अकबर को पढ़ा था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा अकबर को, कोई डाउट ही नहीं है, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, काफी महान शासक कहा जाता है अकबर द ग्रेट। इन 1582 आप लोगों को सभी को पता है, ही स्टार्टेड अ रिलीजन दैट इज नोन एज दीन ए इलाही। इन्होंने दीन ए इलाही धर्म ही स्टार्ट कर दिया था 1582 में, तब तक ज्ञान प्राप्त हो चुका था जो एक्चुअल इन्हें नॉलेज चाहिए था, क्योंकि उसी के लिए 1575 में 1575 में क्या किया था, इबादत खाना कॉन्फ्रेंस हॉल बनवा दिया था, और वहां पे सभी धर्म के लोगों को कॉन्फ्रेंस करनी होती थी, मीटिंग करनी होती थी, और अकबर काफी ध्यान से सुनते थे। एंड फाइनली जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो 1582 में इन्होंने एक रिलीजन एस्टेब्लिश कर दिया था, दैट रिलीजन इज नोन एज दीन ए इलाही। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन ये तो 1582 की बात हो गई, 1583 में फिर कई सारे काम किए इन्होंने। 1583 लिखा है मैंने आप लोग कॉपी में, तो आप लोग यार क्या लिखा है, ये 1853 लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा 1583 में क्या किया फिर इन्होंने, देखिए सबसे पहला एक संबत शुरू किया था, दैट इज नोन एज इलाही संबत, लिखा होगा आप लोगों की कॉपी में इलाही संबत, क्लियर, 1583 में स्टार्ट किया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा था कि एक तो इलाही संबत स्टार्ट किया था, और एक जो था इलाहाबाद, है ना, प्रयाग का नाम चेंज करके क्या कर दिया था, इलाहाबाद, प्रयाग जो शहर था, प्रयाग का नाम क्या कर दिया था, इलाहाबाद, है ना, ये आप लोग देख सकते हैं। और भी कुछ काम इन्होंने किए थे,
दीन इलाही नाम से ही, एक तो इलाही संबंध, इलाही कोई नहीं सूफी है ना, इलाही इलाही कोई नहीं सूफी है। एक आध पॉइंट और होगा ना, आप लोग देखेंगे पन्ने पलट कर, तो एक प्रयागराज जिसका नाम क्या हो गया इलाहाबाद, इलाही नाम से कॉइन इशू कर दी और इलाही सम्मत इशू कर, इलाही सम्मत शुरू करवा दिया हिजरी सम्मत के स्थान पर। अब तो यहाँ पे कट्टर रूलर आ चुके हैं और ये लोग कोई दीन इलाही धर्म के तो फॉलोअर्स है नहीं। देन इलाही सम्मत को औरंगजेब शाहजहां ने क्या करा दिया, प्रोहिबिट करा दिया, प्रोहिबिटेड बाई शाहजहां। क्लियर हो गई बात? ये ही पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, उसके लिए मैंने पूरी कहानी बताई आप लोगों को। ही रिस्ट्रिक्शन या ही एंडेड द प्रैक्टिस ऑफ इलाही संबद, और इन प्लेस ऑफ इलाही संबद ही अगेन स्टार्टेड हिजरी संबद। हिजरी संबद एक्चुअल में मुस्लिम्स का कैलेंडर है और उसी को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट करा दिया। क्लियर? तो ये एक पॉइंट था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं इन्हीं के समय का, इन्हीं के चैप्टर का, और साथ में अकबर को भी हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में 1265 से 1287 तक का रूल देखा था गयासुद्दीन बलबन का। किसका रूल था इस बीच में? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने कई सारी पर्सियन परंपराएं शुरू की थी, फारसी परंपराएं शुरू की थी। एक्चुअल में वो पर्सियंस थी, पारसियों की, पारसी धर्म की वो परंपराएं थी, जिनके नाम है सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा एंड पाइबोस दैट वाज स्टार्टेड बाय गयासुद्दीन बलबन व्हेन ही बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो उसने स्टार्ट की थी सिजदा एंड पाइबोस। और भी कुछ परंपराएं थी जो गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की थी, लाइक नौरोज। नौरोज इज द न्यू ईयर ऑफ पर्सिया, पर्सिया का न्यू ईयर। क्लियर? तो यहां पे इन्होंने क्या किया, इन पर्सियन परंपराओं को क्या करवा दिया, बंद करवा दिया। क्लियर? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इन्होंने इन दोनों परंपराओं को क्या कर दिया है, बंद करवा दिया है, प्रोहिबिट करा दिया है, इन पर रोक लगा दी। कोई डाउट इसमें? प्रोहिबिट, PROHIBIT। समझे? तो इन क्यों करवाया है, क्योंकि ये मुस्लिम है, मुस्लिम परंपराओं को ही फॉलो किया जाना चाहिए ना मुस्लिम धर्म में। ये और ये कौन सी परंपरा है? पर्सियन। अच्छा, क्या होता है सिजदा का मतलब? होता है कि घुटने के बल झुककर, घुटने के बल बैठकर, अपनी गर्दन झुका के सलाम करना, क्या कहलाता है? सिजदा। एंड देन पूरी तरह लेट कर, पूरा दंडवत पूरी तरह सोकर पैरों को चूमना, क्या कहलाता है? पाइबोस। क्लियर? पैरों को चूमना क्या कहलाता है? पाइबोस कहलाता है। क्लियर? तो सजदा एंड पाइबोस ये शुरू किया इन्होंने, ये ध्यान रखिएगा। और इस पर रोक लगा दी थी, इसको प्रोहिबिट करवा दिया था किसने? इन दोनों प्रैक्टिसेस को रिचुअल्स को बंद करवा दिया था किसने? शाहजहां ने। क्लियर? एज इट इज औरंगजेब भी इन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करेगा, और वो भी इन जैसे नौरोज है तो वो सारी पॉलिसीज को रोक कौन लगा देगा? औरंगजेब। और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत सिजदा पे वो चलता है तो उसे भी पूरी तरह से रोक लगवा देता है औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब का ये कहना है कि अगर आपको सर झुकाना ही है तो खुदा के सामने झुकाइए, अल्लाह के सामने झुकाइए, किसी एक पर्सन, किसी एक व्यक्ति के सामने हमें सर नहीं झुकाना चाहिए। ये थॉट्स थे, ये विचार थे किसके? औरंगजेब के। लिए चलिए आगे चलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है इनके समय का हम स्टडी करेंगे, दैट वाज फॉरेन ट्रेवलर्स हु केम इन द रूलिंग पीरियड ऑफ शाहजहां। शाहजहां के रूलिंग पीरियड के समय पर
आने वाले कुछ फॉरेन ट्रेवलर। फॉरेन ट्रेवलर, विदेशी यात्री। तो अभी स्टार्ट करते हैं विदेशी यात्रियों का चैप्टर। चलिए, तो अभी हमको बात करना है फॉरेन ट्रेवलर्स। फॉरेन ट्रेवलर्स इट मींस विदेशी यात्रियों के बारे में। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इनके शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं। आप लोगों ने अकबर का दौर पढ़ा है। अकबर के दौर में आया था जॉन मिल्डेनहॉल 1599 में, और उनके दरबार में 1602 में उपस्थित हुआ था रॉल्फ फिंच। फिर अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर के समय पर ब्रिटिशर्स में, अंग्रेजों में एक ट्रेवलर आया था, एक एम्बेसडर आया था एक्चुअल में, रानी का राजा जो थे जेम्स फर्स्ट, उनका एम्बेसडर बनकर, जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंस। एंड देन फिर आया था सर थॉमस रो। क्लियर? तो ये दो नाम आपसे पूछे जाते हैं जहांगीर के समय पर। अब यहाँ पे ना शाहजहां के टाइम पे आपको चार नाम याद करने होंगे, चार यात्री आए हैं जिनकी अगर बात की जाए। तो पहला नाम जो है, फर्स्ट जो ट्रेवलर है, उसका नाम है बर्नियर। बर्नियर, ये बर्नियर, बर्नियर की बात करें तो ही वॉज अ फ्रेंच सिटीजन, एक फ्रांसीसी था, फ्रेंच था, फ्रांस से इंडिया आया था। और किसके समय पर आया था? शाहजहां के टाइम पर। He was a doctor. ये चिकित्सक था, एक क्या था, डॉक्टर था। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे अगर बात की जाए तो दूसरा नाम जो है वो है ट्रेवर्नियर का। ट्रेवर्नियर, बर्नियर, देन ट्रेवर्नियर। तो याद करने में थोड़ी आसानी होगी, नाम एक जैसे हो गए हैं, बर्नियर और फिर ट्रेवर्नियर, बर्नियर देन ट्रेवर्नियर, और दोनों की कंट्री भी सेम ही है। इट मीन्स ही ऑल्सो अ फ्रेंच सिटीजन, ये भी एक फ्रांसीसी नागरिक ही था। ही वॉज ऑल्सो अ फ्रेंच, बट ही इज नॉट डॉक्टर। अब डॉक्टर नहीं था, तो डॉक्टर के अलावा जो दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पेशा होता है, ऑक्यूपेशन होता है, वो था ये, इट मीन्स ज्वेलर, क्या था, ज्वेलरी का काम करने वाले ने, जौहरी। क्लियर? तो ये था जौहरी, ज्वेलर, ज्वेलर का मीन्स होगा ज्वेलरी, जौहरी। क्लियर? तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे अब आ जाता है एक इटालियन या इतालवी व्यक्ति जिसका नाम था मनुची। मनुची की बात की जाए तो ही वॉज एन इटालियन, ये एक इतालवी नागरिक था, इतालवी व्यक्ति था। एंड इसका जो ऑक्यूपेशन था ना ये था तोपची था। क्या था? एक तोपची। तोपची का मतलब होता आर्टिलरी मैन, यानी तोप चलाने वाला। आर्टिलरी, आर्टिलरी मैन इट मींस तोप चलाने वाला। क्लियर? तो यहां पे तीन मैंने बताया आप लोगों को, बर्नियर, ट्रेवर्नियर एंड मनुची। मनुची, अब मनुची की अगर बात की जाए ना, तो मनुची ने अपनी एक बुक के अंदर डिस्कशन किया है वॉर ऑफ सक्सेसर, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल के एंडिंग टाइम पर, अंतंत समय में 1658 में स्टार्ट हो जाते हैं वॉर ऑफ सक्सेसर्स, उत्तराधिकारी के युद्ध। तो इन्होंने अपनी बुक में डिस्कस किया है वॉर ऑफ सक्सेसर्स, वॉर ऑफ सक्सेसर, ध्यान रखिए, ही डिस्क्राइब वॉर ऑफ सक्सेसर। किसने डिस्क्राइब किया है? मनुची ने। कहाँ का नागरिक था? इटालियन नागरिक था। कब आया था, किसके समय पर आया था? शाहजहां के टाइम पर आया था। क्या काम था? आर्टिलरी मैन, यानी कि तोपची था। फोर्थ अगर हम बात करें पर्सन की, तो चौथे नंबर पे जो व्यक्ति है उसका नाम है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी, पीटर मुंडी एक ब्रिटिश सिटीजन था। तो एक ब्रिटिश भी आया है इनके समय पर, एंड पीटर मुंडी जो एक ब्रिटिश सिटीजन था, इसने क्या किया था,
इसने डिस्क्राइब किया था अकाल के बारे में। उस समय पर सूखा पड़ा था काफी, 1531 से 30 से 32 के बीच में, है ना, जो डेक्कन वाला रीजन था, बीजापुर और गुजरात वाला जो पूरा क्षेत्र था ना, गुजरात, महाराष्ट्र, बीजापुर, डेक्कन, इस पूरे रीजन में एक भयंकर सूखा पड़ा था, एक ड्रॉट हुआ था। तो इसी का उल्लेख किया है, इस ड्रॉट का ही उल्लेख किया है किसने, पीटर मुंडी ने। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, ही डिस्क्राइब ड्रॉट मींस अकाल या सूखे को इन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने उल्लेखों में, अपनी बातों में। और ये उल्लेख, ये भी हम डिस्कस करेंगे इनके समय पर जो अकाल आया। फिर बता दे रहा हूं, 1630 से 32 के बीच में, 1630 से 1632 के बीच में ये अकाल आया था। और ये अकाल का जो रीजन था वो लगभग साउथ इंडिया था और गुजरात में भी था। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे हमने एक चैप्टर डिस्कस किया इनके टाइम पीरियड का, दैट इज फॉरेन ट्रेवलर्स, यानी विदेशी यात्री, हु केम इन द रूलिंग टाइम ऑफ शाहजहां, जो शाहजहां के शासनकाल में इंडिया में आए थे। चार नाम है जो ध्यान रखना है। सबसे पहला नाम है बर्नियर और फिर ट्रेवर्नियर। बर्नियर की बात की जाए तो ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही केम फ्रॉम द फ्रांस। ये कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। ट्रेवर्नियर, बर्नियर और ट्रेवर्नियर सेम प्रोनाउंसिएशन है, दोनों ध्यान रखेंगे, दोनों फ्रांस से आए थे। बट एक डॉक्टर था तो एक क्या था, ज्वेलरी ज्वेलर था, यानी कि जौहरी था। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट नाम आ जाता मनुची। मनुची इटालियन था और मनुची ने डिस्क्राइब किया था वॉर ऑफ सक्सेसर, और ये एक आर्टिलरी मैन, यानी कि क्या था, तोपची था, तोप चलाने वाला। एंड लास्ट पर्सन है पीटर मुंडी, ही वॉज अ ब्रिटिशियर्स एंड इसने डिस्क्राइब किया था ड्रॉट, यानी कि एक जो सूखा हुआ था उनके समय पर, जो सूखा पड़ा था, जो अकाल आया था, उसको डिस्कस किया था, उसको डिस्क्राइब किया था किसने, पीटर मुंडी नामक फॉरेनर ने। तो ध्यान से आप लोग एक बार और रिवाइज करिए, बर्नियर ट्रेवर्नियर बोथ केम्स फ्रॉम फ्रेंच, ये दोनों फ्रेंच थे, ये दोनों फ्रांस से आए थे। एक जोहरी था, एक डॉक्टर था। थर्ड नंबर पे इटली से जो आया था उसका नाम है मनुची। मनुची वॉज अ सिटीजन ऑफ इटली और वो एक आर्टिलरी मैन था। एंड फोर्थ वॉज पीटर मुंडी, जो ब्रिटेन से आया था, जो कि एक क्या था, पीटर मुंडी है ना, वो क्या था वो तो नहीं पढ़ा अपन ने, बट उसने डिस्क्राइब किया था अकाल या सूखे के बारे में। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे के मुद्दे पे चलते हैं। आप लोग, इन लोगों ने ना, ये लोग जो आए थे, इन लोगों ने कहा है शाहजहां के टाइम पीरियड को स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर। ये पॉइंट में लिख देता हूं यहां पे स्टार बनाकर। आर्किटेक्चर, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर, इन इतिहासकारों ने, इन विदेशी ट्रेवलर्स ने कहा है, भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को। क्लियर, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर किसके शासनकाल को, शाहजहां के शासनकाल को। साथ ही हम इसे सिर्फ आर्किटेक्चर का ही नहीं, साथ ही हम सिर्फ ऐसा भी बोल सकते हैं गोल्डन एज, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओनली भी अगर पूछ लें कि गोल्डन एज ऑफ मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, देन द आंसर विल बी शाहजहां रूलिंग पीरियड। शाहजहां के रूलिंग पीरियड को ही स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, स्थापत्य कला का अगर स्वर्णकाल है तो हम कुछ स्थापत्य कला को देख लेते हैं, कुछ आर्किटेक्चर्स को देख लेते हैं जो इनके समय पर बनवाई गई थी, कुछ बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा आर्किटेक्चर आर्ट को समझ लेते हैं, स्थापत्य कला को समझ लेते हैं। देखिए, इनके समय पर जो स्थापत्य कला यूज की जाती थी उसमें सबसे खास जो चीज थी ना, स्टार बना के लिखा देता हूं, हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्चर आर्ट स्थापत्य कला, क्लियर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा इनके इस चैप्टर का। और सबसे खास बात, पर्णिल मोहराब और अलंकृत मोहराब, है ना, ये मैं हिंदी में ही लिख दूंगा पर्णिल, क्योंकि हिंदी टर्म ही है, पर्णिल मोहराब और दूसरा है अलंकृत मोहराब।
पर्णिल मोहराब एंड अलंकृत मोहराब यूज किए जाते थे या इस तरह की स्थापत्य कला का यूज किया जाता था इस समय की बिल्डिंग्स में, इस समय के स्मारकों में जो इन्होंने बनवाए हैं उसमें पर्णिल मोहराब और अलंकृत मोहराब का चलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्णिल मोहराब एंड अलंकृत मोहराब फ्रॉम द रूलिंग ऑफ शाहजहां। अब देखिए ये किस तरह से होता है, जैसे कि इस तरह से आपने कोई बिल्डिंग बनाना है तो इस बिल्डिंग में ना इस तरह से आप क्या करेंगे, जब निर्माण कराएंगे तो इसे कहा जाता है पर्णिल मोहराब। क्या कहा जाएगा, पर्णिल मोहराब, इस तरह से, क्लियर। और जब इस तरह से निर्माण कार्य कराया जाता है तो इसे कहा जाता है अलंकृत मोहराब, है ना। थोड़ा सा इस तरह से होगा, अलंकृत मोहराब, क्लियर। तो ये कहलाते हैं, ये वाला जो कहलाता है डायग्राम, ये कहलाता है पर्णिल मोहराब, यहीं से समझ लेना, और ये कहलाता है अलंकृत मोहराब, क्लियर। तो सबसे खास बात यहाँ की स्थापत्य कला की थी पर्णिल मोहराब और अलंकृत मोहराबों का यूज किया जाना, इस तरह की स्थापत्य कला को इन्होंने इनिशिएट किया, इन्होंने स्टार्ट किया था, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, इन्हीं का एक एग्जाम्पल सबसे खास सबसे महत्वपूर्ण, दैट इज ताजमहल। ये रफ कर देता हूं मैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा पर्णिल मोहराब और डायग्राम भी बना लिया होगा अलंकृत मोहराब का, ना। सबसे खास बात है ये, ध्यान रखिएगा, पित्रोदय जो आर्किटेक्चर आर्ट थी जो जहांगीर के समय से स्टार्ट हुई थी वो भी यूज की गई है। जैसे ताजमहल की बात की जाए या और भी जो स्थापत्य कला जो के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें पित्रोदय कला का भी यूज किया गया है। पित्रोदय कला का पहला जो यूज था वो किया गया था एत्माउद्दौला के मकबरे में, है ना। तो उसी प्रकार से पित्रोदय कला यूज की गई है ताजमहल को बनवाने में भी और भी कई बिल्डिंग्स बनवाने में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्थापत्य कला में जो सबसे खास चीज है वो है ताजमहल। क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो जितना पढ़ सकें उससे उतनी ज्यादा ही पढ़ने की कोशिश करना है। सबसे पहला पॉइंट कहां पर है, तो पूरी दुनिया को पता है आगरा में है। किस नदी के तट पर है, यह है यमुना, क्लियर। किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है। अच्छा पहले कहां बनाया जा रहा था, पहले बुरहानपुर में बनाया जा रहा। अच्छा बुरहानपुर में बनता तो किस नदी के तट पर बनता, क्लियर। अगर बुरहानपुर में बन जाता तो किस नदी के तट पर बनता, एंड यू नो दैट द रिवर फ्लो फ्रॉम बुरहानपुर, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बुरहानपुर इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ ताप्ती रिवर और तापी रिवर, तापी या ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ बुरहानपुर। अगर वहां बनता ना तो किस नदी के तट पर बनता, तो आज हम यमुना की जगह पर क्या लिख रहे होते, ताप्ती रिवर लिख रहे होते, क्लियर। चलिए स्टार्ट वहीं से किया जा रहा था बनवाना। अब क्यों बनवाया है, इन द मेमोरी ऑफ मुमताज, मेमोरी ऑफ मुमताज। मुमताज महल की याद में। दूसरा क्या है ये, क्योंकि अगर आपने एक बिल्डिंग बनाई है तो वो एक्चुअल में बिल्डिंग क्या है, कोई घर है, कोई कुछ है, क्या है वो एक्चुअल में, क्या चीज है। तो ये जो है ये एक टॉम्ब है, क्या है, टॉम्ब। टॉम्ब मींस मकबरा, क्लियर। एक दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, ताजमहल इज अ टॉम्ब। यहाँ पे किस किस की समाधि है, यहाँ पे डेड बॉडीज है, किसकी बॉडीज रखी हुई है, एक तो शाहजहां की और दूसरी उनकी वाइफ मुमताज महल की, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरी अगर बात की जाए ना, तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो कारीगर थे वो कौन थे, क्लियर। तो मुख्य वास्तुकार यानी मुख्य जो डिजाइनर थे, मुख्य जो इनके आर्किटेक्चर थे ना, मुख्य वास्तुकार,
तो इसके जो आर्किटेक्चरर थे, जो जिन्होंने इसको बनवाया था ना, उनका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी वॉज चीफ आर्किटेक्चर, इट मीन्स मुख्य वास्तुकार, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, चीफ आर्किटेक्चर हैं ये, मुख्य वास्तुकार हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट जो थे इनके सपोर्टर, इनके सहयोगी, उनका नाम था उस्ताद ईसा खां। उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी, इन लोगों ने ही बनवाया था। और ये जो थे ये चीफ आर्किटेक्चर थे, और ये जो पर्सन थे ये सिर्फ देखरेख करते थे, समझ गए ना, यानी कि एक प्रकार से इन्हें हम कॉन्ट्रैक्टर बोल सकते हैं, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा और इन्होंने बनाया होगा, ये सिर्फ देखरेख का काम करते थे और ये क्या करते थे, एक्चुअल में बनवाते थे। क्लियर? चलिए अब और कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं। खर्चा बता चुका हूं ना, 9 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, टाइम लगा था 22 ईयर्स का। अगला जो पॉइंट है ना, देखिए ताजमहल जो बना है ये एकदम सफेद संगमरमर की चट्टानों से बना है, और दुनिया का अगर हम इसे बोलते हैं कि सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर में, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण एक वो है, क्या बोलते हैं अपन, जो बंडर्स है उनमें जाना जाता है। तो बंडर्स में इसलिए जाना जाता है क्योंकि सिर्फ ताजमहल से बना, संगमरमर से बना है या मार्बल से बना है, इसलिए नहीं, मार्बल से तो कई बिल्डिंग्स बनी हैं जो दुनिया में और भी बड़ी बड़ी होंगी ताजमहल से भी, बट मार्बल से बनना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, समझ गए। मार्बल से इस तरह से बनाया गया है, एक्चुअल में जो डिजाइन है, जो इंजीनियरिंग है, और जो उसमें उसमें जो लिखा गया है, जो आयतें लिखी गई है, है ना, जिस डिजाइन से चीजों को लिखा गया है, तरासा गया है, क्लियर, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन चीजों के कारण ताजमहल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर? और जब हम उसके अंदर जाते हैं, इंटर करते हैं ना, तो जहां पे हम देखते हैं कि जो दीवारें हैं, है ना, जो चारों तरफ फैली हुई जो दीवारें हैं, उन पे जो मोहराबे हैं, उन पे जो लिखी गई बातें हैं, जो आयतें लिखी गई हैं, वो उनमें भी एक प्रकार से इंजीनियरिंग है, उनमें भी एक पर्टिकुलर सिस्टोमेटिक चीजों को लिखा गया है, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं जब फॉरेनर्स आते हैं तो हम तो फॉरेनर्स को देखते हैं, हम लोग तो किसको देखते हैं, फॉरेनर्स को, अरे कौन आया देखने, उनको देखते रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हाथ से देख टच करके देखते हैं क्या लिखा है या किस तरह से लिखा है, वो फील करते हैं एक्चुअल में। और हम लोग क्या करते हैं, हम उन्हीं को देखते रहते हैं, हम वो लोग ताजमहल को समझते हैं और हम लोग उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअल में दैट्स व्हाई द ताजमहल इज वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस तरह से बना थी। ताजमहल संगमरमर कोई खास बात नहीं, संगमरमर तो दुनिया में और भी बिल्डिंग्स हो जाएंगी, बट जिस डिजाइन के साथ, जिस इंजीनियरिंग के साथ और जो कलात्मकता उसके अंदर यूज की गई है, इस कारण से ताजमहल दुनिया की बंडर में शामिल है। देखिए यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा था, उस्ताद ईसा खां। यहां तक की चीजें हो गई, वास्तुकार मुख्य कौन थे वो बता दिया। अब खास बात यह है कि राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, यहीं से पंचायती राज सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1969 में, जो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन की गई थी उस पर बेस्ड। यहीं पर एक जगह आती मकराना, क्या कौन सी जगह थी, मकराना, तो राजस्थान के नागौर जिले के मकराना से व्हाइट मार्बल्स को यहां पर लाया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो व्हाइट मार्बल्स थे, जो सफेद संगमरमर थे, उन्हें कहां से लाया गया था, तो आंसर क्या होगा, मकराना से। मकराना कहां पे, राजस्थान के नागौर। तो राजस्थान के नागौर से मार्बल्स को लेकर आया गया था आगरा तक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब एक चीज ये है कि जो अगर आपसे आर्किटेक्चर आर्ट या शैली की बात की जाए ना, आर्ट की या कला की बात की जाए, किस कला में ये बनवाया गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
जो शैली है वो है चार बाग शैली। कौन सी शैली? चार बाग शैली। चार बाग कला और दूसरी सबसे फेमस पित्रोदया कला। कौन सी कला? पित्रोदया कला, पित्र दियो, पित्र दियो कला, पित्रोदयो कला या पित्रदयो कला, है ना। तो पित्रोदया कला साथ में चार बाग जो शैली है उसके माध्यम से इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ है। चार दीवारें भी इसके आसपास जो हैं, चार दीवारें भी बनवाई गई हैं कवर करते हुए, क्लियर, चारों तरफ से घेरते हुए। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे रिलेटेड टू ताजमहल। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि चूंकि मैंने बोला कि किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर है ना, तो इसका जो बेस बनाया गया है, जो आधार बनाया गया है इस बिल्डिंग का, ताजमहल का जो आधार बनाया गया, नदी के आसपास की जमीन कैसे होती है उस बात को ध्यान में रखकर बनाए। और खासतौर से इस बात को ध्यान में रखा गया है कि अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आता है, अगर भूकंप आता है, तो भूकंप का कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए ताजमहल पर, ताजमहल पर भूकंप का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे खास बात ये, भूकंप को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड या इट वॉज बिल्डेड इस तरह से इसे बिल्ड किया है कि ध्यान में रखा गया है कि इस बात को, भूकंप को, भूकंप अगर आए तो ऐसा बेस बनाए कि उसका इम्पैक्ट ही ना हो। दूसरी खास बात यह है कि इसका जो गुंबद है ना, जो गुंबद आप लोग देखते हैं सबसे ऊपर में सब गुंबद है, और गुंबद के ही पास चार मीनारे हैं, चार मीनारे हैं किसके पास? गुंबद के पास, क्लियर। तो यहां पे इस गुंबद के एकदम पीक पॉइंट से लेकर, इस पीक पॉइंट से लेकर इन चारों, अगर हम बात करें, इन चारों किसकी बात की जाए, अगर मीनारों की बात की जाए, तो इन चारों मीनारों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। क्लियर, इस तरह से डिजाइन किया गया है कि मीनार के पीक से, मीनार जो गुंबद के पीक से मीनारों की डिस्टेंस, चारों मीनारों की डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। क्लियर, तो ये भी कुछ खास फैक्ट है, कभी पूछ लेता है एग्जाम में, है ना। कब से कब तक के बीच में बना है? 22 ईयर लगे हैं, 1651 में डेथ हुई थी, तो 1651 से 1653 के बीच में ये बना था। और कितना टाइम खर्चा लगा है? तो 9 करोड़ रुपए का खर्चा लगा है। अभी मुझे लगता नहीं कि कोई पॉइंट छूटा हो, अगर छूटा हो तो फिर भी हम कोशिश करेंगे हम उनको अपने MCQ में उनको शामिल कर लें। क्लियर।